आज ग्राम हतनूड़ पट्टी पिछला ढांगू जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में ये अरसा बनाने के लिए ये चावल को कूटा जा रहा है और उत्तराखंड में इसे बोलते हैं पीठा। और इसको कूट करके पहले इसको रात को भिगा देते हैं, फिर इसका पानी निकाल देते हैं और उसके बाद इसको उरखेले में, यहाँ गढ़वाल में उत्तराखंड में उरखेली बोलते हैं और वैसे हिंदी में ओखली बोलते हैं, ओखली में इसको कूटा जाता है और कूटने के बाद ये पीठा बनता है। और उसके बाद जब ये कूट लिया जाता है तो इसको छन्नी से छान करके जो बारीक बारीक होता है उससे अरसे बनाए जाते हैं। होते हैं उनको कूटने का काम स्त्रियां करती हैं, माताएं बहनें करती हैं और छिन्मदन सिंह बिष्ट। और आप अरसे बनाने के यहाँ पे विशेष कारीगर हैं हथनोड़ में, कला करके अरसे की पाक तैयार हो रही है और इस पाक में जब तैयार हो जाएगी 3 तार की जब बन जाती है उसके बाद इसमें फिर पीठे को जो कूटा हुआ जो चावल का आटा है उसको इसमें डाल दिया जाता है और उससे फिर अरसे बनते हैं। हैं और उनके सहायक हैं और जो कूटने वाली माताएं बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे दाल चावल और ये पकौड़ी बन रही हैं। और आप हैं पकौड़ी के कारीगर श्रीमान युवराज सिंह बिष्ट जी और आप हैं सूरज सिंह बिष्ट जी, आपके ही के घर में ये अरसे बनने का कार्यक्रम हो रहा है। यह है आलम सिंह बिष्ट ग्राम हथनोड़। आप जो ये अरसे बना रहे हैं तो ये किस अवसर पे बना रहे हैं, किस उद्देश्य से बना रहे हैं? अच्छा, तो भांजी की शादी में जाना है तो बिल्कुल बिल्कुल अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ना है, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। हमारा रीति रिवाज है कि कहीं भी बहन भांजी की शादी होती है या उत्तराखंड के लोग अरसे ले जाते हैं, अरसे सबसे शुभ माने जाते हैं, हमारे रीति रिवाज में ये शामिल है। इकहत्तर साल आप उम्र से और आप अरसे बनना है तो अरसे बनाने गुण है अगर 2 किलो गुड़ वाल तो मैं 4 कदने डाल देना, 6 मान अगर 2 किलो गुड़ होगा तो 3 किलो पड़ेंगे चावल। और चावल को कितने घंटे पहले भिगाना है? पूरी रात भर मतलब कम से कम 12 घंटे। हाँ जी, पूरी 12 घंटे। और उसके बाद उसको छान के इन महिलाओं को दिया जाता है। और चावल का जो पानी है उसको निकाल करके छान करके और फिर ओखली में उसको कूटा जाता है। और कूटने के बाद फिर गुड़ को उनको फिर गलाते हैं उसी हिसाब से। तो गुड़ में 1 किलो अगर 2 किलो गुड़ है तो पानी कितना पड़ेगा? 1 माणा आधा किलो, ये मतलब आधा लीटर और आधा किलो पानी। और फिर इस पाक को कितनी देर तक पकाना है? जब तक इसका वो लेयर नहीं आएगा ना, मतलब बहुत हार्ड। हाँ जी, फिर हम एक थाली लाएंगे ठंडे पानी की। हाँ जी, ठंडे पानी में इसको डालेंगे। अगर उसका वो ये किस्म से मिक्स हो जाएगा ना, वो गुड़ जम जाएगा, जम जाएगा ठंडे पानी में। तैयार है पाक, तैयार है पाक, तैयार। और अगर गुड़ फैल रहा है तो पाक तैयार नहीं है। हाँ, ये ठंडे पानी की थाली है, इस थाली में गुड़ डालते हैं और फिर देखते हैं कि पाक तैयार हुई या नहीं हुई है। तो ये गुड़ है और ये गुड़ पानी में जम चुका है, इसका मतलब ये पाक तैयार है। ये देखिए, और अब ये अरसे की पाक लगनी शुरू हो गई है और इसको तब तक हिलाते रहेंगे ये जब तक ये चावल का आटा गुड़ के साथ में ठीक से मिल नहीं जाता और गढ़वाले में बोलते हैं इसको खेंडना। इसको तब तक खेंडते रहेंगे कि जब तक ये ठीक ढंग से मिलने जा लो तब तक ये खेंडो न रहो, पूरा जोर लगाना पड़ता है, पर बहुत ताकत चाहिए चे। इसमें पूरी बाहें थक जाती हैं और एड़ी से लेकर और चोटी तक का जोर लगता है, इसमें बहुत मेहनत है। पानी के लिए चाहिए और 2 आदमी तौली पकड़ने के लिए चाहिए। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है
कि हथनूड के ग्राम सभा प्रधान रोशनी नहीं है, इसको घुमा रहे हैं, इस पार्क को बना रहे हैं। और आप हैं रोशनी देवी जी, ये ग्राम सभा प्रधान है यहाँ के। और बस 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 ठीक है हो गया। ना वो ये ताक तैयार हो गई है, इसके बाद थोड़ा सा कड़वा तेल डालेंगे इसमें। अच्छा पाक तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और ये है, ये जिससे घुमा रहे हैं दबलू, इसको बोलते हैं दबली, दबली गांव के हिसाब से, एक गांव में इसको दबली बोलते हैं। और इससे इसको घुमाया जाता है, एक गोल बेलनाकार एक डंडा होता है। बहुत बढ़िया अरसा, तेल लगभग गर्म हो चुका है और एक अरसा ये ट्राई करने के लिए डाला हुआ है, तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर ये ठीक से अगर तल जाएगा तो इसका मतलब तेल गर्म है और बाकी अरसे बनाने शुरू हो जाएंगे। और ये अग्नि देवता को, ये अरसा अग्नि देवता और पितरों के लिए और देवताओं के लिए समर्पित कर दिया गया है, ताकि हमारा जो कार्य है सफल हो, वो सफल हो जाए। मालू के पत्ते हैं और मालू के पत्ते शुभ कार्यों में ये मांगलिक माने जाते हैं। और इनको अब अरसे की जो टोकरी है, बांस की टोकरी है, इस टोकरी में रखेंगे और उसके बाद इसमें अरसे रखेंगे। ये ठीक है, ये निकलना है ना, दबाना बता फरकाना। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड।